Okay, so talking about that scene when India's wicket were going on a regular basis, one wicket down, two wicket down, and Kapil's sir was taking shower. So, मैं real और real life का scene जानना चाहूँगा. पहले तो real life का scene जानना चाहूँगा, फिर real life. रियल लाइफ का सीन आप पहले जान लीजिए. हाँ. मैं आपने जो सीन कहा कि भाई कपिल सर शॉवर लेके आ रहे, ये जिम्बाब्वे का मैच था जी. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल जो हुआ है वहाँ, तो नॉर्मली मुझे बैटिंग नहीं आती है क्योंकि मेरे सामने 7 ऑलराउंडर्स, मेरे को कभी इन्होंने ऑलराउंडर के मानिंद बांध माना ही नहीं. राइट. तो बहरहाल मेरा नंबर 8 रहता था, 7 ऑलराउंडर्स के बाद आता था. तो मैंने आराम से बैटिंग नहीं आएगी मेरे को, और मैं टोस्ट मुंह में रख के अपना टवल बांध के प्रिपेयरिंग फॉर ए गुड शावर और अच्छा ज़बरदस्त नाश्ता करके मैच देखूंगा. तो आधे घंटे में बाहर से एक आवाज़ आई, यार क्रीप पैड अप बोल के आवाज़ आई. नॉर्मली गाइज पुल योर लेग, खिंचाई होती है. तो मैं अनजानी अख्तियार किया वहाँ पे, और दो मिनट के अंदर और एक एक सीरियस कॉल आया मेरे को, यार क्रीप क्या कर रहा है, पैड अप यार बोल के पुकारा बाहर से. अरे ये कुछ सीरियस मामला नज़र आ रहा है. तो मैंने टवल पकड़ के मुँह में टोस रख के सो विंडो की तरफ गया मैं देखने क्या है, क्या माजरा है बाहर. स्कोर बोर्ड देखा तो माय आईज पॉप्ड आउट ऑफ माय आईज, 17. ओह माय गॉड, 5. बोलते ही टोस भी गिरा, टवल भी गिर गया. टवल को उठा लेके, अरे कोई देखा तो नहीं मेरे को, अगर देखता ना वो भी गिर जाता वहाँ. This was 17-5, और by the time I had my breakfast and my shower, whether I had proper shower or breakfast, I don't know. I was walking inside, 128-8. Yeah. Another 30 overs to go. तो बहरहाल उसके बाद आप पिक्चर में ही देख लीजिए क्या होता है. Right. अभी क्या बताऊँ मैं आपको, that was it. And then we had a great partnership. Right. So Kapil's knock was outstanding. Outstanding. All right. So we had a good partnership of 128 runs. Yeah. And he remained not out with 175. Yours sincerely, who was not out with 28 or 24. I'm not too sure on that. So after that, aap log ko pata hai ki bhai, it was itihas and history after that. Yeah. One of the best innings. All right. एक तो मैं वो मोमेंट बता चुका हूँ आपको, वो सीन था जो कि रणवीर और मेरे बीच में होता है, और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट आई सेट के ऊपर जब इतने सारे दिग्गज एक्टर्स थे. एक वाक्या था कबीर खान और मेरे बीच में, वो बहुत फनी था. कुछ 15-1 मिनट लेट आते थे मैं और एक और एक्टर जो कीर्ति आज़ाद प्ले कर रहे हैं. मेरे को कुछ सर को मैं बता चुका हूँ, मेरे को कुछ ऐसा 15 लोगों के सामने डांट दिया कि तुम लेट आते हो, तुम्हारी वजह से ये लेट होता है, शूट लेट हो जाती है. मैंने कहा सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आज के बाद नहीं होगा. नहीं, वो आपको टाइटल नहीं मिला, लेट लतीफ. सर वो आई रियली होप मिल जाता, बट नहीं मिला. बट जब मेरे को सबके सामने डांटा ना, तो उसके बाद बारी थी एक और लड़के की, क्योंकि वो भी लेट आता था, तो जो कीर्ति आज़ाद प्ले कर रहे हैं. तो मेरे को 15 लोगों के बीच में डांट दिया, और उनको जो दूसरे लड़के हैं कीर्ति आज़ाद प्ले कर रहे हैं, उनको अकेले में जाके डांट दिया. अब 2 घंटे ख़त्म हो गए शूट के, कुछ लंच टाइम वगैरह चल रहा था. तो अब मैं नॉर्मली ना चलता रहता है मेरा एनर्जी थोड़ा है, मेरे को मस्ती मजाक अच्छा लगता है. वाह. और कबीर खान ने नोटिस किया कि मैं हंसी जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, और उसके बाद जो लड़का है जिसको अकेले में डांटा है और मेरे को 15 लोगों के सामने डांटा है, उसकी मुंह बनी हुई है. मेरे को आके पूछे, अरे यार उसका देखो मुंह बना हुआ है, तुम खट्टर इतने खुश घूम रहे हो. मैंने कहा सर मैं आपको बताऊँ मैं खुश किस लिए हूँ. कहते किस लिए, कि मैं सिर्फ 15 मिनट लेट आता हूँ. नहीं तो जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, उससे तो ये इम्प्रूवमेंट है.
तो फिर सारे जोर जोर के हंसने लग गए एंड आई वॉज होपिंग कि मुझे गालियाँ ना पड़े बट उसके बाद से काफ़ी चिल हो गया माहौल एंड इट वॉज अ लॉट ऑफ फन दैट वी ऑल हैड ऑन द सेट. ओके सर, सो लास्टली रिसीविंग दैट ट्रॉफी ऑन लॉर्ड फाल्कन, इट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर ऑल द इंडिया बिकॉज इंडिया वॉज अंडरडॉग एंड रिसीविंग दैट ट्रॉफी. सो आपने वो रिक्रिएट किया वो मोमेंट, तो आपको कैसा लगा पहले आपसे जानना क्या होगा, और जो रियल में सर आपने वो पहले रियल नहीं सर सर आपको कैसा लगा वो ट्रॉफी पकड़ के? यार हमें यकीन नहीं आया पहले तो कि हम वर्ल्ड चैम्पियंस बन गए. ठीक है, उस लिहाज से ये खुशी जो है ना ज़ाहिर ही नहीं हो सकती कि किस किस्म की खुशी हमारे को अंदरूनी जो खुशी हुई है. यार वी हैव बीटन द वर्ल्ड चैम्पियंस मैन, वी आर द वर्ल्ड चैम्पियंस. अब हमारे दिमाग में यही आया कि भाई वी हैव मेड द एंटायर इंडियन कम्युनिटी प्राउड ग्लोबली, और हर कोई चार साल अपना कॉलर ऊंचा करके या वी आर वर्ल्ड चैम्पियंस मैन बोल के सारे के सारे निकले, और हमारे वी हैड सम वंडरफुल टाइम एंजॉयिंग आवर सेल्व्स. क्रेट्स ऑफ शैंपेन बॉटल्स केम इनटू आवर ड्रेसिंग रूम, और उसके बाद देवर मैनी फन एंड फ्रॉलिक्स. वो ये अंदर की बात है मैं अभी वो सब अंदरूनी बात है, ये सब अच्छा नहीं लगेगा कि भाई वी हैड ग्रेट टाइम, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन आवर ओन लिमिटेशंस. And each one of us went with different groups, enjoying ourselves throughout the night. And the hotel bar was open throughout the night. A very special thing took place out there. Bus wahan se so we came down as world champions. We have created history and we taught the entire cricketing fraternity. This is a very valid point which I am going to express. That the weakest team in the competition can be the champions on that particular day or year. Kya baat hai? Kya baat? Wow, that's it. Meri taraf se. Original. Halanki ye bhi original hai. देखिए जब हमने वर्ल्ड कप जीता तो आवाज़ आई कट तो ये तो फर्क था ही था. नो बट वो ट्रॉफी उठाना लॉर्ड्स में एंड एक्चुअली सर जो आप लोगों ने ट्रॉफी उठाई थी वही ट्रॉफी हमने फिल्म में भी उठाई है. वाओ सेम है, जबकि एक रेप्लिका पड़ा हुआ था बट हमने वो सेम ट्रॉफी उठाई है. सो हमारी जर्नी ना कंप्लीट हुई लॉर्ड्स की बालकनी में. सोचो ट्रेनिंग में जब हम मस्ती मजाक करते होते थे, एक दिन बलविंदर सिंह संधू सर ने बोल दिया जो हमारे कोच थे, बहुत थका हुआ था मैं, कहते ओह गिव मी हाई नीज, एक हाई नी ना एक्सरसाइज होती है हाथ ऐसे रख के ना ऐसे नीज होते हैं, मैं कहा सर नहीं हो पाएगा, नो खट्टर गिव मी 10 मोर हाई नीज. मैंने कहा एक मिनट सर, हाई नी हाई नखरा तेरा नी दो गए हाई नी हाई मुंडे खो गए चार हो गए ऐसे करके मैंने उनको 10 हाई नीज दिए. सो फ्रॉम देयर to actually go to the Lord's balcony and hold that trophy in your hand. Wow. मुझे ऐसा लगा था कि ये नहीं हम सच्ची में वर्ल्ड कप जीत गए हैं. क्या बात, what a feeling. चाहे वो फिल्म मेकिंग का वर्ल्ड कप हो चाहे वो एक्टिंग का वर्ल्ड कप हो, मुझे इस फिल्म में अगर मौका मिला होता ना पीछे पेड़ भी बनने का मैं तो भी ले लेता. यहाँ तो फिर भी मैं लेजेंडरी विकेट कीपर मिस्टर सैयद किरमानी हु वॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड वो प्ले कर रहा हूँ. तो वो सरियल फीलिंग थी, सबके आंखों में आंसू थे. मेरे दोस्त कहा करते थे कि लॉर्ड्स के ग्राउंड में जाके यार घास ही ले, हम तो वर्ल्ड कप उठा के ले आए और क्या चाहिए हमें. नहीं थोड़ी सी घास खा भी लेना था, जैसे जोकोविच विंबलडन में घास चबाता है जीते बाद से. सो सब जब इमोशनल हुए ना उस बालकनी पे तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार अब ये वर्ल्ड कप ही नहीं बल्कि मेरे को लग रहा है बॉक्स ऑफिस भी हमारा है. वाह क्या बात है. One thing that I will take back home from 83 is not just one thing actually. There'll be a lot of things. Number one is hard work, patience, and discipline. Wow. Takes you much
further than just talent. जब तक ये तीनों नहीं होता तो आप खाली टैलेंट का अचार नहीं डालोगे ना मियां। और मैंने वो फिल्म सेट के ऊपर कैसे बिहेव किया जाता है, कैसे एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बनती है, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे शॉट्स डिलीवर करते हैं, कैसे शॉट्स कैच करते हैं, वो सब कुछ तो सीखा है। बट थैंक यू सो मच मिस्टर कबीर खान, मिस्टर मुकेश छाबड़ा जिन्होंने कास्टिंग करी, एंड रणवीर सिंह फॉर बीइंग द बिग ब्रदर दैट ही इज, फॉर एक्चुअली लेटिंग मी बी मी, एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग थैंक यू सो मच मिस्टर सैयद किरमानी फॉर लेटिंग मी play that character. Yes, thank you very much Kabir Khan and the team and my good cricketing friends from Bollywood for showcasing what we did during the World Cup 1983, and we are all eagerly looking forward to see how we won the World Cup actually, and these are the stars who are going to show the entire world how we won the World Cup, what are the things which we did, how we enjoyed ourselves. One was on honeymoon already. yeah. Okay. Thank you all for your patience. Any more questions? Sir, have? I just have one last thing to say. आपको पता है ये किरी भाई को पता नहीं याद है या नहीं है, मेरे को बाद में पता चला था, और ये सच्ची बात है. Actually, when he was showed my picture, there was a concern, कहते मैच कर लेता ना. He is so young at heart, and that is what I love about him. और इसीलिए वो similarities है, fun, quirkiness, sportiness, athleticism. So thank you so much, sir, for letting me play this. क्या बात है. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. God bless you with more success to come across. But let me also say here that के बलविंदर सिंह सांधू ने जो एक्सरसाइजेज इनको बताया वो खुद नहीं किया अपने जमाने में. चलिए, एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, लवली, थैंक यू, थैंक यू. चले रेडी, बोलो यार, 1 2 3 बोलो जा, जैसे 1 2 3 सर एचएस बराबर बराबर बाल सर एचएस एचएस. क्या शाइन है दोनों से, क्लियर आ रहा है, कोई डिफरेंस ही नहीं है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर. वाओ, थैंक यू ऑल फॉर, थैंक यू सर. बहुत कैमरा है, वन से मिला.